तो स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आपके सामने है फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस आपको क्या क्या ऑफर करता है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसकी की से। तो कुछ इस तरीके की हमें ऑफर होती है जिसमें लॉक और अनलॉक ये दो फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। तो चलिए हम गाड़ी में बात कर लेते हैं क्या क्या इसमें ऑफर होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका फ्रंट है, फ्रंट में आपको जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं वो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं। इसमें आपको ये हाई बीम और लो बीम का ऑप्शंस भी मिल जाता है। ऊपर आप देख सकते हैं तो आपको DRL लाइट मिल जाती है जो कि इंडिकेटर के साथ भी होती है। ये मल्टी रिफ्लेक्टर है, इसमें आपको DRL का काम भी करती है प्लस ये इंडिकेटर का काम भी करेगी और पार्किंग लाइट का काम भी करेगी। इसके साथ ही साथ देख सकते हैं तो क्रोम ग्रिल मिल जाती है आपको बड़ी सी। नीचे आपको इसकी प्लेट मिल जाती है ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे इंजन को कवर भी किया गया है। उसके साथ ही साथ हम इसकी साइड प्रोफाइल पे चलते हैं तो साइड प्रोफाइल पे हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्लाइडिंग मिल जाती है देखने को। इसमें हमें ब्लैक अलॉय व्हील मिल जाते हैं जिसको पेंटेड अलॉय व्हील कहा जाता है। इसमें साथ ही साथ देख सकते हैं तो हमें जो टर्न इंडिकेटर हैं वो RPM पे मिल जाते हैं। जो क्लाइडिंग है वो आपकी चारों तरफ से कवर्ड की हुई है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम गाड़ी की बैक प्रोफाइल पर चलते हैं, उसके बाद हमें गाड़ी का इंटीरियर दिखाएंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं बैक प्रोफाइल भी काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन की हुई है। इसमें आपको मिलता है रूफ रेल, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, रूफ एंड स्पॉइलर मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाता है आपको, टेल लैंप आपको मिलेंगे। इसके साथ ही साथ नीचे देखेंगे तो यहाँ पे चार सेंसर मिल जाते हैं। स्किड प्लेट हमें ऑफर हो जाती है। अब हम इसका एक बार बूट एक्सेस कर लेते हैं, बूट देख लेते हैं, उसके बाद हम गाड़ी के अंदर चलेंगे। तो भाई ये इसका बूट स्पेस है 308 लीटर का, इसमें हमें बूट स्पेस मिल जाता है। जो सीट्स हैं हम सीट को भी एक्सटेंड कर सकते हैं, 60-40 स्प्लिट सीट का हमें इसमें ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे हम सीट को भी एक्सेस कर सकते हैं। चलिए हम गाड़ी का इंटीरियर दिखा देते हैं और अंदर देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें। तो हम गाड़ी के अंदर चलते हैं और यहाँ से हम दरवाज़ा हमने ओपन किया। अब हम देखते हैं ड्राइवर डोर की क्या सुविधाएँ। तो ड्राइवर डोर पर जैसा कि देख सकते हैं विंडो के चार कंट्रोल्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। चाइल्ड लॉक अनलॉक का यहाँ पे बटन मिल जाता है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिल जाता है, जो मिरर है वो अंदर से ही एडजस्टेबल है। इसके अलावा यहाँ पे हमें बॉटल होल्डर यहाँ मिल जाता है। उसके अलावा जो अंदर का डोर हैंडल है वो ब्लैक मैट ब्लैक में मिलते हैं। बाकी यहाँ का जो इंटीरियर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फेब्रिक फिनिशिंग मिल जाती है, यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक मिलती है। साथ ही साथ यहाँ देखेंगे तो आपको मिलता है यहाँ पर आइडल स्टार्ट स्टॉप, 1.2 लीटर इंजन ऑप्शन के साथ एक गाड़ी मिलती है। तो एक बार मैं इसका पूरा इंटीरियर दिखा दूं, उसके बाद मैं गाड़ी के अंदर चलता हूं। तो अंदर देख सकते हैं डी कट हमें स्टेयरिंग मिल जाता है जो कि आपका टिल्ट है। उसके साथ ही साथ यहां पे हमें कलर TFT मिल जाता है और ये है इसका 7 इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम जो कि स्मार्ट प्ले प्रो है, जिसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल CarPlay मिल जाता है। इसके साथ ही साथ यहाँ देखेंगे तो ऑटो क्लाइमेट AC हमें मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको डोर पे भी कंट्रोल्स मिल जाते हैं को ड्राइवर डोर पे। इसके अलावा जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो सीट्स है वो बकेट सीट मिल जाती है। ये यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट वगैरह का ऑप्शंस नहीं है। जैसे कि आप गियर लीवर देख रहे हैं आप, ये चूँकि ऑटोमेटिक गाड़ी है तो इसमें आपको इस तरीके का गियर नॉब मिल जाता है। उसके बाद ये आपको मैनुअल मिल जाता है, IRBM मैनुअल मिलता है। यहाँ पे हमें केबिन लैंप मिल जाता है जो कि हेलोजन होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे हमें रीडिंग लैंप भी मिल जाता है। स्टेयरिंग पे हम अगर आते हैं तो स्टेयरिंग पे हमें स्टेयरिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ठीक है। कॉलिंग के फीचर्स हमें यहाँ मिल जाते हैं, वॉइस कमांड का फीचर्स भी हमें यहाँ मिल जाता है। उसके अलावा यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमें बोनट ओपन करने के लिए, ये फ्यूल ओपन करने के लिए मिल जाता है। तो भाई इस कुछ इस तरीके से ये दिखती है अंदर से। अब हम इसकी बैक सीट पर चलते हैं और बैक सीट पर देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो भाई ये है इसकी बैक सीट। बैक सीट पर जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे डोर पे भी कंट्रोल्स हैं विंडो कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे हमें फैब्रिक फिनिशिंग मिल जाती है, जो डोर हैंडल यहाँ भी ब्लैक मिलता है। रियर AC का कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। जो सीट्स हैं वो 60-40 स्प्लिट सीट्स हमें मिलती है। इसके अलावा एडजस्टेबल हैं सीट्स,
हाईटेक सॉरी जो हेड रेस्ट है वो एडजस्टेबल है, तीनों हेड रेस्ट एडजस्टेबल हैं। इसके अलावा 3ELR हमें सीट बेल्ट भी मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें पार्सल ट्रे भी ऑफर होती है, ये इसकी पार्सल ट्रे है, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से स्पेस में डिज़ाइन किया हुआ है। तो भाई ये यहाँ पे इसको मैंने कवर कर दिया है। अब मैं इसके इंजन को और दिखा देता हूँ। तो भाई ये 1.2 लीटर इंजन ऑप्शन के साथ मिलती है, जो कि आइडल स्टार्ट स्टॉप भी प्रोवाइड करता है आपको। इसकी जो पावर क्षमता है वो 89 BHP है 6000 RPM पे, वो कुछ इस तरीके से उभर के आती है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।